आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे पारिस्थितिकी तंत्र का, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें पढ़ेंगे, क्लियर होंगे आप लोगों के। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्यतः दो प्रकार हैं, एक है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नेचुरल, और एक होगा मानव निर्मित। मानव निर्मित, ये काफी साफ हो गया है, एक और एक दो बार साफ कर देंगे ना तो एकदम साफ हो जाएगा, काफी साफ हो गया है अभी। तो दूसरा है मानव निर्मित, महत्वपूर्ण इसमें है प्राकृतिक वाला, मानव निर्मित में तीन है। मानव निर्मित में जो आप मतलब मनुष्य निर्माण करता है, उसमें एक होता है फसल क्षेत्र का, जो आप फसल बोते हैं उसमें भी पारिस्थितिकी तंत्र का, उसे भी कहते हैं। उद्यान जो आप निर्माण करते हैं, पार्क जहाँ खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं या कुछ और करने जाते हैं, और एक होता है क्या, एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, जो आप लोग अपने घर में भी सजावट के रूप में कुछ मछलियाँ रखते हैं, या जो तालाब वालाब बनाए जाते हैं कुछ स्पेशल तरीके के, मतलब उनको मछली पालन करने के लिए आदि, झींगा पालन करने के लिए, वे सब भी एक्वेरियम के ही पार्ट हैं। तो वो सब मानव निर्मित है, ये हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, इनसे सवाल भी बहुत नहीं आएगा। लेकिन जब आपसे वर्गीकरण पूछा जाएगा मानचित्र का, दो नंबर पूछा गया चार नंबर में, तो दो चार नंबर का जब पूछा जाएगा तो पूरा चार्ट बना देंगे, और प्राकृतिक में और मानव निर्मित के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। अगर यही क्वेश्चन 15 नंबर का पूछ लिया जाए, मानचित्र का वर्गीकरण क्या है, तो पहले पूरा चार्ट बना देंगे, फिर इसमें जितने पॉइंट हैं सबके बारे में दो दो तीन तीन लाइन लिखना होगा, ठीक है। तो जो प्राकृतिक है ये फिर आगे कई भागों में बटेगा अब, है ना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो प्राकृतिक मुख्यतः दो भागों में बटता है, पहले एक तो होता है स्थलीय, जो स्थलीय भागों पर जो प्राकृतिक पारितंत्र है, और दूसरा जलीय, स्थलीय भाग पर और जलीय भाग पर। फिर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह कई भागों में विभाजित है, स्थलीय मुख्यतः चार भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं हम लोग, इन चारों का नाम लिखेंगे। पहला है वन, अब हम हर जगह पारितंत्र नहीं लिख रहे हैं, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र को शॉर्ट में पारितंत्र भी कहा जाता है, तो कहीं पारिस्थितिकी तंत्र लिखा हो या पारितंत्र लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो हम हर जगह पारिस्थितिकी या पारितंत्र नहीं लिख रहे हैं, बस आप लोग समझ लीजिए कि ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, और उसी में पहला है वन पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है घास पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, तीसरा है मरुस्थलीय, और चौथा है टुंड्रा, टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये जितने हैं इनमें भी कुछ डिवीजन है ना, तो जैसे वन पारिस्थितिकी तंत्र है तो वन पारिस्थितिकी तंत्र तीन भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, फिर दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, और है अगला टैगा वन, टैगा वन। फिर जो घास पारिस्थितिकी तंत्र है इसको भी दो भागों में बांटे हैं, एक जो घास उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय घास, उष्ण कटिबंधीय घास जिनको सवाना कहते हैं, और दूसरा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास या शीतोष्ण कटिबंधीय घास,
जिसको कहते हैं प्रेयरी, फिर मरुस्थली। मरुस्थली में भी दो तरह के मरुस्थल होते हैं, एक ठंडे क्षेत्र के मरुस्थल या ठंडे मरुस्थल, और एक होते हैं गर्म मरुस्थल। टुंड्रा वनस्पतियां या टुंड्रा पारितंत्र वो अलग है। तो ये है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। फिर आते हैं जलीय में। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है जो लवणीय या समुद्री, जहाँ पे लवण या साल्ट ज़्यादा होता है पानी में वो लवणीय या समुद्री, दूसरा होगा ताज़ा पानी का, फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी फ्रेश वाटर। तो जो समुद्री है उसमें एक तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र आ जाता है, समुद्री पारितंत्र, दूसरा आता है इसमें प्रवाल भित्ति, तीसरा आता है इसमें एस्चुरी पारितंत्र। फिर ताजा पानी में, ताजा पानी दो तरीके का होता है, एक ताजा पानी होता है जो रुका हुआ होता है, रुका हुआ जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेंटिक, और एक होता है गतिशील ताजा पानी वाला, इस पे उदाहरण देखेंगे, इसको कहते हैं लोटिक। एक रुका हुआ, एक गतिशील, लेंटिक लोटिक। तो जो रुका हुआ ताजा पानी का है, इसमें जो आते हैं, इसमें झील आ जाएगा, झील, तालाब और दलदली भूमि या कीचड़ युक्त भूमि। जो गतिशील है इसमें आएंगे नदी और झरना, गतिशील में नदी और झरना आएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो लवणीय और ताजा पानी दोनों का मिक्स होता है, दोनों के मिक्स क्षेत्र पर होता है, लवणीय भी होता है और ताजा पानी, दोनों पानियों का मिक्सचर होता है, उसको कहते हैं आर्द्र भूमि पारितंत्र, आर्द्र भूमि पारितंत्र, आर्द्र भूमि पारितंत्र, वेटलैंड इकोसिस्टम। तो ये है आपका पूरा वर्गीकरण पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार का। जब भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार का वर्गीकरण पूछे तो आपको ये पूरा टेबल बनाना होगा, तब आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। बना लीजिए इसको जल्दी से। बन गया, जल्दी जल्दी लिखिए। सिंपल सा है, पहले प्राकृतिक बांट दिया, फिर मानव निर्मित, फिर प्राकृतिक में जितने स्थलीय जली दो भाग, स्थलीय में जो भाग है, जली में दो भाग है। ये ऐसे नहीं याद हो जाएगा, इसको बार बार बनाएंगे, एक दो बार देख के लिखेंगे, पढ़ेंगे, फिर आंख बंद करके या कॉपी पे बिना देखे लिखेंगे, तब धीरे धीरे याद हो जाएगा।
हो गया। क्या नहीं चल रहा है? ठीक है, चलिए। आद्र भूमि, आद्र भूमि, आद्र भूमि, वेटलैंड। बनाओ जल्दी से, तुम लोग इतना धीरे क्यों लिख रहे हो? मैं भी तो लिख रहा था, बोल तो रहा था साथ में। तुम लोगों का प्रैक्टिकल कल कैसा हुआ था, रिटेन वाला? कितने नंबर पाओगी 60 में? बाकी नहीं बन रहा था, हम थोड़ी कटवाए हैं। मैं तो पूरा पेपर कराने के लिए बनवाया था, वो कटवा दी। प्रैक्टिकल का कोड पेपर पर लिखा तो था, जिसमें कोड में पी लिखा रहा होगा लास्ट में, या शुरू में पी लिखा रहा होगा। हो गया, बन गया। चलिए, तो पारिस्थितिकी तंत्र दो भागों में बांट दिया गया है, प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, और मानव निर्मित जो मानव द्वारा निर्मित है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक बताए थे, तीन घटक होते हैं, कौन कौन से? जैविक, अजैविक और ऊर्जा, है ना। तो ये प्राकृतिक में भी मिलेंगे और अप्राकृतिक में भी, जो मानव निर्मित है वहाँ भी तीनों घटक रहेंगे। इधर ध्यान दो जी, क्या देख रही हो? अब पढ़ा रहे हैं तो बैग खोल रही हो, इधर ध्यान दो। तो जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, वो दो तरह के हैं, स्थलीय भाग पर और जलीय भाग पर। सबसे पहले स्थलीय भाग पर देखेंगे, तो स्थलीय भाग पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो जैविक तत्व हैं, अजैविक तत्व हैं, उनका जो वितरण है, वह वितरण क्या है? एक समान सब जगह नहीं है, इसलिए विविधता मिलती है। कहीं वन ज़्यादा मिलेंगे, कहीं घास ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहीं पे टुंड्रा है। तो हर एक जगह पे जो तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा आदि है, उसके कारण हर जगह पर जीव और पेड़ पौधों का जो वितरण है वो अलग अलग, विविधता है वहाँ पे जीवन की। तो उस अनुसार जो है पारितंत्र अलग अलग हैं स्थलीय भाग पे भी। तो स्थलीय पे जो पारितंत्र है, पहला वो क्या है? वन है। पहला पारितंत्र कौन सा है? वन है। वन का हम आपको बताए थे कि पृथ्वी वो बीचों बीच विषुवत रेखा विभाजित करती है 0 डिग्री, फिर है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, कर्क रेखा और मकर रेखा, फिर एक जाती है 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा, और फिर एक है 90 डिग्री उत्तर ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ ये जो क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय, जो कि ये वाला क्षेत्र है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और कर्क और मकर रेखा और 66 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय। क्या कहते हैं? शीतोष्ण। और फिर जो इसके ऊपर का जो भाग है, उसको कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र या शीतकटिबंधीय। तो तीन तापमान के आधार पर पृथ्वी को तीन क्षेत्रों में, प्रमुख क्षेत्रों में बांटते हैं। एक तो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का होता है, फिर मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश है उसके बीच का क्षेत्र जो है शीतोष्णकटिबंधीय, इधर और इधर, और ये शीत कटिबंधीय है जो 66.5 से उत्तरी ध्रुव और 66.5 से दक्षिणी ध्रुव,
ये तापमान के आधार पर बांटा गया है, ठीक है, तापमान जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं। इन्हीं के अनुसार जो वन हैं वो तीन तरह के हैं। जो उष्णकटिबंधीय वन है वो यहाँ पाए जाएंगे, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। जो शीतोष्णकटिबंधीय वन है वो ये वाले हैं, इस क्षेत्र में पाए जाएंगे। और टैगा वन जो है इसी के आसपास के क्षेत्र है यहाँ, ठीक है। टैगा वन जो है वो शीत कटिबंध के ही पार्ट है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उन्हीं का पार्ट एक है टैगा वन, ठीक। किसमें अभी बात कर रहे हैं ना, तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः जो है इनमें भी दो पार्ट कर दिया जाता है। जो उष्णकटिबंधीय वन है, सदाबहार वन लिख दिया है क्या, ठीक है, चलिए सदाबहार लिखे। वैसे इस ये होता है उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन जो है यह फिर दो भागों में बट जाता है, एक हो जाता है सदाबहार और एक हो जाता है पर्णपाती। ये जो डिवीजन किया जाता है वर्षा की मात्रा के आधार पर किया जाता है। जो सदाबहार वन है वहाँ पे जो वर्षा होती है वो लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी, मतलब वहाँ खूब बारिश होती है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वहाँ खूब बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ। और ये हैं इसी क्षेत्र के, ये क्षेत्र में ही पाए जाएंगे सदाबहार भी पर्णपाती भी। इनमें अंतर भी साथ साथ देखते चलेंगे। यहाँ 200 सेंटीमीटर ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सदाबहार मतलब हमेशा हरे भरे रहेंगे, जब ज़्यादा वर्षा होगी तो ज़्यादा हरे भरे रहेंगे, और जब कम वर्षा हो रही है तो मतलब कुछ ऐसा महीना भी होगा जब वर्षा ही नहीं होगी उन क्षेत्रों में। जैसे हमारे यहाँ जो क्षेत्र पौधे पाए जाते हैं वो गर्मियों में क्या करते हैं, पत्ते गिरा देते हैं, उसको पर्णपाती वन कहते हैं। तो हमारे इधर जो क्षेत्र में वन मिलते हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। वो एक गर्मी के सीजन में जब पानी की कमी हो जाती है तो पत्तों द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन, पत्ते क्या करते हैं, वाष्प को उत्सर्जित करते हैं, उसको रोकने के लिए वो पत्ते अपना पत्ता ही गिरा देंगे। जब पत्ता ही नहीं रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन भी नहीं होगा, है ना, तो उनको पर्णपाती वन कहते हैं। आप लोग सब लोग सो रहे हैं मुझे लग रहा है, ऐसे पढ़ने का मन नहीं है क्या किसी का, चेहरा देख के तो लग रहा है कि एकदम अब मोक्ष ही मिलने वाला है सबको। खा पी के आया कीजिए, नाश्ता पानी ले लिया कीजिए, ब्रेकफास्ट ले के आया कीजिए, लंच में कर लिया कीजिए, ऐसे मुरझुराए क्या ही पढ़ेंगे, मुझे मन ही नहीं कर रहा है पढ़ाने का। मैं इतना तेज चिल्ला रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा है कि आप लोग 1% ले पा रहे हैं। नहीं मन हो तो फिर रहने देते हैं, नहीं थोड़ा कुछ ऊर्जा लाइए, थोड़ा फोकस कीजिए। तो सदाबहार वन मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिन क्षेत्रों में, वहाँ के पेड़ पौधे एकदम हरे भरे होते हैं क्योंकि बारिश ज़्यादा है। पर्णपाती वन मतलब वहाँ कुछ ऐसे महीने होंगे जहाँ बारिश ही नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो पौधे पानी की बचत करने के लिए, अपने शरीर में बचाने के लिए क्या करते हैं, पत्ते ही गिरा देते हैं, तो उनको पर्णपाती वन कहते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है ये ज़्यादातर विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं, इनको विषुवत रेखी वन भी कहते हैं। ये विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है बेल्ट है ये उष्णकटिबंधीय ही, लेकिन उष्णकटिबंधीय में भी प्रकार है ना, तो सदाबहार जो है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्यों इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है। जब तापमान उच्च रहता है तो वहाँ का जो पानी है वो खूब भाप वाष्प बदलता है, जो बार बार वाष्प बदलता रहता है, तो जब खूब वाष्प बदलता है तो उससे खूब बादल वहाँ बनते हैं, तो वहाँ लगभग रोज वर्षा होती है। लगभग रोज 2 से 4 बजे के बीच में शाम को रोज वर्षा होती है। दिन दो मतलब सुबह से 12 बजे तक पानी क्या होता है, वाष्प बनता है, फिर वो जाके बादल बनता है, फिर 2 से 4 के बीच में खूब ज़ोरदार बारिश होती है इन क्षेत्रों में जो विषुवत रेखा के आसपास का। अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो 0 डिग्री अक्षांश से लेके 5 डिग्री अक्षांश उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण
आप लोगों को मैं जब तापमान की पेटियां पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में, और तापमान की पेटियां, वायुदाब की पेटियां, तो उसमें विषुवत रेखीय क्षेत्र आता है। तो अगर नोट्स वोट्स रखे हों, कूड़े में बेंच नहीं दिए हैं, तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो ये जो क्षेत्र है विषुवत रेखीय है, इसमें ही सदाबहार वन पाए जाएंगे। बाकी अन्य क्षेत्रों पर भी अगर कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पाए जाएंगे। अगर वर्ष भर बारिश हो रही है तो सदाबहार मिल जाएगा, नहीं हो रही है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सदाबहार वन हो गया, और कौन सा हो गया? पर्णपाती वन। तो जो सदाबहार वन है वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? लैटेराइट है। मिट्टी कैसी है? लैटेराइट। लैटेराइट मिट्टी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बारिश जब होती है, हम आपको मिट्टी भी पढ़ाए हैं, मिट्टी पढ़ाए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, था कहीं तो पढ़ाए हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ाए, मिट्टी था फर्स्ट सेमेस्टर में, मिट्टी का प्रकार उकार पढ़ाए थे। ठीक है, मिट्टी मिट्टी जो होती है कई तरह की है, तो उसमें एक है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण तब होता है जब जिन क्षेत्रों में खूब बारिश होती है, जब खूब बारिश होती है तो उनका जो पोषक तत्व है, मिट्टी में कई परत होती है ना, मिट्टी कई परतों में है। जो आप सबसे ऊपर देखते हैं वो 2-4-5 सेंटीमीटर की परत होती है, जिसमें आप गेहूँ चावल आदि लगा लेते हैं अपना। तो जब खूब बारिश होती है तो ये पोषक तत्व तो इस निचली परत में पहुंच जाते हैं, दूसरे लेवल में। अब यहाँ फिर आपके जो पौधे हैं, जो आप खाद्यान्न फसलें हैं, जिनमें आप चावल उगाते हैं, धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती हैं, तो उनकी खेती यहाँ नहीं हो पाएगी। यहाँ पर वो पौधे लगते हैं जिनकी जड़ें गहराई में जाए। तो लैटेराइट मिट्टी जो है वो वहाँ पाई जाएगी जहाँ खूब वर्षा हो, ठीक है, और जहाँ लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी वहाँ वृक्ष पाए जाएंगे, वहाँ खूब वृक्ष होंगे। क्यों? क्योंकि वो पोषक तत्व तो यहाँ पहुँच गया है ना, तो ये जड़ों द्वारा यहाँ पहुँच के इसको प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उदाहरण एक आध दो ठो देख लेते हैं कौन कौन से कुछ पेड़ों का नाम है, जैसे महोगनी, आबनूस, रोजवुड। इसका नोट्स भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा, लिखिए उखिए नहीं ज़्यादा, सुन लीजिए। फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है, इनमें कई परतों में पेड़ पाए जाते हैं, सबसे खूब बड़े बड़े पेड़ है ना, कुछ वृक्ष बहुत बड़े बड़े होंगे, फिर उससे छोटे वृक्ष होंगे, और फिर सबसे छोटे जो लताएँ होती हैं, छोटी छोटी है ना, जो कह सकते हैं कि लिपटी रहती हैं पेड़ों में। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जब पेड़ों की संख्या ज़्यादा है तो पेड़ों में रेस होती है कि भाई हमको सूर्य का प्रकाश चाहिए, भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, प्रकाश संश्लेषण। तो पेड़ क्या करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई अपनी बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए कुछ पेड़ हैं जो इतने बड़े हो गए, सारे पेड़ इतने बड़े हो गए, अब भीड़ इतनी ज़्यादा है कि प्रकाश मिल नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ पौधे और ऊपर चले जाएंगे। फिर इतना पहुंच गए तो और कुछ पौधे इतना आ गए, फिर और ऊपर चले गए। मतलब तीन लेयर में परत कह सकते हैं पेड़ों की रहती है, एक सबसे बड़े वृक्ष है ना, फिर उनके बाद जो उनके बाद होते हैं उनको कहते हैं अधिपादप। क्या कहते हैं? अधिपादप। फिर उनके बाद जो होते हैं उनको लताएं कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले लंबे वृक्ष, फिर अधिपादप, और फिर क्या, लताएं। तो पहले मान लीजिए ये ज़मीन है वहाँ की, तो ये कुछ पेड़ है जो सबसे बड़े वाले हैं, फिर इनसे छोटे होंगे, ठीक, फिर सबसे छोटे होंगे। तो तीन लेयर में आपको यहाँ वृक्षों का जो है देखने को मिलेगा, तीन तरह की लंबाई के। तो जो सबसे नीचे है उसको कहते हैं लताएं, इनको लताएं या लियाना, इनको एपीफाइट या अधिपादप, और ये बड़े वाले वृक्ष तो वृक्ष हैं। जीव भी यहाँ दिया हुआ है उदाहरण कुछ, जैसे हाथी, सुअर, जंगली सुअर है ना, गेंडा, ये सब पाए जाते हैं। उदाहरण भी इसका कुछ दिया हुआ है, जैसे जो आप बड़े बड़े वनों का नाम सुनेंगे, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, इन सब जगहों पर सदाबहार वन ही पाया जाता है। भारत में अगर उदाहरण देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है,
वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलता है। ब्राजील में भी वन पाए जाते हैं, क्योंकि ब्राजील में ही क्या है, अमेजन का जो बेसिन है उसका बहुत बड़ा भाग ब्राजील में ही है। ब्राजील कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में, एशिया में, सब जने एशिया में है ब्राजील। वाह, इतना मैप लगवाए हैं, टाइम तो रहता नहीं है एक आध मिनट का कि आके देख लें। ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, अमेजन नदी एशिया महाद्वीप में बहती है। तो दूसरा वापस ले लेती, दूसरा बोल देती। तो अमेजन में भी अमेजन नदी जो है वो ब्राजील से भी होकर गुजरती है। तो ब्राजील में जो वन मिलते हैं ऐसे सदाबहार वाले, उनको एक नाम देते हैं सेल्वास। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव कभी पूछा जाए कि सेल्वास वन कहाँ पाया जाएगा, तो वो अमेजन बेसिन अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो वो ब्राज़ील, ब्राज़ील के वन जो हैं उनको क्या कहते हैं, सेल्वास कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है, जो वर्ष के एक विशेष महीने में या वर्ष के एक विशेष समय में अपने पत्तों को गिरा देते हैं बारिश कम होने के कारण, उनके कुछ उदाहरण हैं। आप लोग जितने भी वन देखते हैं वो सब उष्णकटिबंधीय हैं, चाहे आम देख लें, चाहे महुआ देख लें, सब देखते होंगे कि चार जब गर्मी का मौसम आता है बसंत वाला तो पत्ता गिरा देते हैं, यानी देखे हैं ना, सागौन हो गया। तो ये सब कैसे वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनमें सागवन है, शीशम है और बांस भी इसी में आता है, है ना, आम महुआ नीम जो भी आप देखते हैं अपने घर के आसपास वो सब उष्णकटिबंधीय ही हैं, वो हमेशा भर हरियाली में नहीं रहते हैं अगर देखे हों तो। फिर अगला जो है, तो इनको एक और नाम कहते हैं निम्न अक्षांशी, निम्न अक्षांश के है ना, 23 डिग्री तक निम्न अक्षांश, फिर 22.5, फिर 22 से 66 मध्य अक्षांश, फिर उच्च अक्षांश, निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश, उच्च अक्षांश। तो निम्न अक्षांश वाले हो गए। शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो हैं वो मध्य अक्षांशी वन हैं, ठीक है। इनमें भी दो तरह के, इसमें तीन भाग किया है इसमें, एक तो मध्यक्षांशी सदाबहार, जैसे यहाँ पे था उष्णकटिबंधीय सदाबहार, वैसे ही मध्यक्षांशीय सदाबहार। तो इसमें एक तो हो जाएगा सदाबहार, एक हो जाएगा पर्णपाती और एक हो जाएगा भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरी, तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है उनको तीन भागों में बांट दिया गया आगे, कि शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और शीतोष्ण कटिबंधीय भूमध्य सागरी वन। तो जो सदाबहार वन है यह महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पूर्वी भाग का मतलब क्या है? कोई भी महाद्वीप है, कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। तो हर एक महाद्वीप का एक होता है भाग पश्चिमी और एक होता है पूर्वी भाग। ये है दक्षिण अमेरिका, ये है ब्राजील। फुटबॉल हो रहा है, फीफा उफा देखा कीजिए, ब्राजील की टीम है उसमें। तो ये दक्षिण अमेरिका है, यहाँ अमेजन है और ये ब्राजील है। तो ये महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, है ना महाद्वीप। तो इनके जो पूर्वी भाग है, अब अक्षांश भी ध्यान रखना होगा आपको, कितने अक्षांश पे बात कर रहे हैं हम लोग? कर्क रेखा से ऊपर 66 डिग्री तक और मकर रेखा से नीचे 66 डिग्री तक। तो यहाँ 30 है, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा से 66 यहाँ, मतलब इधर इतना क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इसमें जो जो देश आ रहा है, और नीचे की ओर है यहाँ मकर रेखा, मकर रेखा से 66.5 यहाँ। तो पूरा क्षेत्र बेल्ट है इसका, है ना। इसमें जो देश आएगा वो कैसे वन होंगे? वो होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय। तो ये जो बता रहे हैं अक्षांश, इसको जाके मैप पे देखिएगा, घर पे नहीं, फोन में देख के मैप, कि कौन कौन सा देश आ रहा है,
ये हवाबाजी नहीं होती है कि हवा में पढ़ के चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा उससे अगर मैप नहीं देखेंगे तो। तो जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि जैसे इसमें शीतोष्ण कटिबंध ऊपर भी है और नीचे भी है ना, यहाँ क्या बनाए हैं, ये एक क्षेत्र है एक क्षेत्र, दोनों भागों में देश होंगे, कुछ देश ऊपर होंगे कुछ देश नीचे होंगे। जैसे अगर उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कर्क रेखा और यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे ये USA आएगा और कनाडा आ जाएगा, फिर इधर यूरोप का ज़्यादातर भाग, एशिया का ज़्यादातर भाग और कुछ भाग जो है भारत का भी, भारत कर्क रेखा बीचों बीच बांटती है ना, तो कर्क रेखा के ऊपर का जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध है, तो भारत का आधा भाग शीतोष्ण कटिबंध में है ना। तो ये सब क्षेत्र जो है किसमें है, शीतोष्ण कटिबंध। तो इन महाद्वीपों के जो पूर्वी भाग है, ये पूरब है महाद्वीप का, ये पूर्वी भाग है ना, ऐसे ही यहाँ भी महाद्वीप का पूरब भाग। तो महाद्वीप के पूर्वी भाग में क्या होती है, बारिश जो है पर्याप्त होती है, महाद्वीप के पूर्वी भागों में जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीप है उनके पूर्वी भाग में बारिश पर्याप्त होती है, जिसके कारण वहाँ पे कैसे बन पाए जाते हैं, सदाबहार बन पाए जाते हैं। तो ये जो सदाबहार वन है ये महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं, पूर्वी भाग में। पश्चिमी भाग में पर्णपाती वन पाए जाएंगे, पश्चिमी भाग में हम आपको जब फर्स्ट सेमेस्टर में महासागरी धाराएं पढ़ाए थे तो हम आपको एक बताए थे कि जो महासागरी धाराएं हैं वो महाद्वीपों के पश्चिम में ठंडी वाली चलती हैं, ठंडी महासागरी धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में चलती हैं, ठीक है। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जब चलती हैं तो ठंडी महासागरी धाराओं के कारण वहाँ का मौसम ठंडा हो जाता है, जब ठंडा हो जाता है तो वहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग हैं वहीं पे ज़्यादातर मरुस्थल पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि महाद्वीप का ये पश्चिमी भाग है ये पूर्वी, तो पश्चिमी भाग पे ठंडी जलधाराएँ चलती हैं, ठंडी जलधाराएँ वहाँ के तापमान को कम कर देती हैं और वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो जब वर्षा नहीं होगी तो वहाँ का क्षेत्र मरुस्थली परिवर्तित होता जाता है ना। जितने भी मरुस्थल देखेंगे आप महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ज़्यादातर मिलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो शीतोष्ण कटिबंधी सदाबहार वन है वह महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, और शीतोष्ण कटिबंधी जो पर्णपाती वन है वो महाद्वीपों के किधर पाया जाएगा, पश्चिमी भाग में पाया जाएगा, है ना। पर्णपाती वही है कि एक विशेष महीने में वो क्या करेंगे, अपने पत्तियां गिरा देंगे, और सदाबहार वही है कि वो लगभग वर्ष भर क्या रहते हैं, हरे भरे रहते। एक है भूमध्य सागरी वन, तो भूमध्य सागर आप लोग जानते हैं कहाँ पे स्थित है, भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में और यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में, ये है भूमध्य सागरी वन, इतना भाग है ना घेरे हुए है सब, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, अफ्रीका के उत्तर में और यूरोप के दक्षिण में क्या है, भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर कि एक विशेष जलवायु है ना, भूमध्य सागर की एक विशेष जलवायु है, उसी आधार पर भूमध्य सागरी वन उसका नाम पड़ा है, वहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो जो भूमध्य सागरी वन है इनमें क्या होता है कि गर्मी जो है, गर्मी में यहाँ पे शुष्क मौसम होता है, गर्मी शुष्क मतलब यहाँ की जो ग्रीष्म ऋतु है भूमध्य सागरी क्षेत्र की वो शुष्क होती है, शुष्क मतलब कि वर्षा नहीं होती, गर्मी में वर्षा नहीं होती है। भूमध्य सागरी क्षेत्र में कब वर्षा होती है, ठंडी के महीने में, जैसे ये मौसम चल रहा है ना, तो यहाँ ठंडी के महीने में बारिश होती है। तो जब ठंडी के महीने में बारिश होती है तो इस समय पे यहाँ पे जो फल मिलते हैं वो संतरा है, यहाँ पे विटामिन सी जिन फलों में पाया जाता है वो वाले फल मिलते हैं, संतरा है, नींबू है, अंगूर है, ये वाले फल कहाँ मिलेंगे, भूमध्य सागरी क्षेत्र में। तो ये सब पेड़ पौधे किस में आएंगे, भूमध्य सागरी वन में आए, भूमध्य सागरी में आएंगे, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध में। एक है टैगा वन, इसको देख लेते हैं। टैगा वन जो होते हैं इनमें जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं कैसे, शंकुधारी, इसका एक और नाम है शंकुधारी। टैगा वन को क्या कहते हैं, शंकुधारी, शंकुधारी मतलब
इनकी पत्तियां जो हैं वो त्रिकोण की तरह रहती हैं। जैसे आपने अशोक का वृक्ष देखा होगा, है ना, तो अशोक का वृक्ष कुछ इसी तरह का होता है। अगर क्रिसमस का ट्री देखे हो, क्रिसमस का ट्री टैगा वन में ही आता है ना, शंकुधारी पेड़ है वो। क्यों ऐसा है वो? एक तो ऐसा होने का कारण यह है कि जब बर्फ गिरे तो ये फ्लोट हो जाए, रुके नहीं, ठीक है। जो बर्फीले घर, बर्फीले क्षेत्रों में जो घर बनाया जाता है वो ऐसे बनाया जाता है। आप लोगों के यहाँ भी घर बनता रहा होगा कच्चा वाला पहले, तो ऐसे क्यों? क्योंकि पानी गिरे तो खपड़ा से बह जाए, खपड़ा ऐसे लगाएंगे तो चूने लगेगा। खपड़ा लगाते थे ना पहले पका के, तो उसको ऐसे क्यों बनाते थे? जिससे कि पानी गिरे वो बहता जाए। अगर आप खपड़े को सीधा सीधा लगा देंगे तो पानी लीक करेगा। लेकिन अब तो हम लोग प्लास्टर का बनवाते हैं, तो अब कैसे भी लगा दो, लीक तो करेगा नहीं। तो शंकुधारी जो वन है या वृक्ष हैं उसमें ऐसे वन पाए जाते हैं, इस आकार में रहते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। शंकुधारी वन इन क्षेत्रों में पाए जाएंगे, ये छाछठ के ऊपर है ना, छाछठ के ऊपर लगभग मान लीजिए छाछठ से लेकर के 70 के आसपास, 70-75 अक्षांश तक पाए जाएंगे, है ना। छाछठ से 70-75 तक में टैगा वन मिलते हैं, ठीक है। तो टैगा वन में इस तरह के वृक्ष इसलिए हैं क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत कम होता है, तो वहाँ बर्फबारी हमेशा होती रहती है। तो बर्फ जो है पौधों पे, पेड़ों के ऊपर ना रुक पाए, फ्लोट हो जाए। उनकी पत्तियाँ भी नुकीली होती हैं, नुकीली पत्तियाँ होती हैं, जिससे कि क्या हो, आसानी से बर्फ क्या हो, नीचे की ओर गिर जाए, ठीक है। और महाद्वीप के इस क्षेत्र में तो पाए जाएंगे, साथ ही में अगर पर्वतों पे, हम आपको एक दिन बताया थे ना, पर्वतों पे ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो हमको विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं, जो महाद्वीपों के अन्य क्षेत्रों में मिलने चाहिए। एक ही जगह पर हर एक जलवायु का पेड़ पौधा, तो अगर आप पर्वत पर सबसे ऊपर जाते जाएंगे तो टैगा वन भी मिलते जाएंगे। आप हिमालय जाइए, हिमालय में जब ऊपर जाएंगे तो आपको ऐसे पौधे मिलेंगे जो एकदम त्रिकोण के आधार में, शंकु के आधार में बने रहेंगे, है ना, जिनमें बर्फ गिरे तो वो बहता जाए, मतलब गिरता जाए नीचे की ओर, ठीक है। तो हमने स्थलीय में केवल वन पर पढ़ लिया, वन आधारित जो पारितंत्र था, बाकी पारितंत्रों पे कल चर्चा करेंगे। इसका नोट्स भेज देंगे, एक बार पढ़ के आइएगा।